हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं विक्र, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो आप लोगों को पता ही होगा कि एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आ चुका है एक्स वाई, जिसके लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट एलिजिबल हैं 12th पास। आप सभी लोग वीडियो वाले सेक्शन में जाके देख सकते हो क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे। बहुत ही अच्छी वैकेंसी, आपको पता होना चाहिए 4000 के आसपास इसकी वैकेंसी होती है, साल में 2 बार आती है। ओके, फिलहाल बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। हमारा जो बैच आया है एयरफोर्स एक्स वाई, यानी कि साइंस और अदर देन साइंस की तैयारी कराने वाले को स्पेशल एयरफोर्स का बैच, हमारा अग्नि बैच आया हुआ। ओके, ये आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी और 17 मार्च को आपको एग्जाम है, उसके पहले 12 तक हमारा सिलेबस एंड हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। 110% ईच एंड एवरी सब्जेक्ट प्रॉपरली। ओके, ये हमारा होने वाला है। अब ये बैच आपका एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे मिलेगा, तो जो बच्चे बैच नहीं लिए जाके ले सकते अभी तुरंत के तुरंत, क्योंकि इस बैच का अभी प्राइस जो चला 12 तारीख तक 499, इसके बाद ये 599 आ जाएगा। तो अभी बैच के बारे में डिटेल में बता दूंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारी एप्लीकेशन पे क्लासेस है, मंडे से वो स्टार्ट है, यानी 8 जनवरी से स्टार्ट है। बहुत ही बेहतरीन टाइम टेबल आपके सामने हम लोग रखने वाले हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको मजा आ जाएगा। और सारी क्लासेस 8 तारीख से विदाउट अ सिंगल मिनट लेट आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। ऑन द क्लास, मतलब जैसे ही एंड होगा तुरंत आपको पीडीएफ क्लास का मिलेगा, आपको डीपीपी प्रैक्टिस हर एक चीज अवेलेबल कराया जाएगा इस बैच के अंदर। 60 से 65 दिन के अंदर पूरा धुआं काट दिया जाएगा। ओके, चलिए बात करते हैं सबसे पहले टाइम टेबल क्या होने वाला है। जो बच्चे बैच से नहीं जुड़े जुड़ सकते, जो बच्चे जुड़ चुके आप सभी लोग टाइम टेबल देख लीजिए आपकी कौन सी क्लास कब चलने वाली, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस बैच के अंदर हम लोग एक्स वाई दोनों का एक्सेस एक साथ देते हैं, तो हमारी क्लासेज जो होती है एक्स वाई दोनों को एक बार दिखा देता हूँ प्रॉपर तरीके से। ओके, तो बहुत ही बेहतरीन टाइम टेबल है, इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं करूंगा, हर चीज का रीजन है। सबसे पहली जो क्लास आपकी स्टार्ट होगी वो 12 बजे होगी, टेक्निकल मैथ, जो कि मैं पढ़ाऊंगा। ये जो है आपका एक्स ग्रुप वाले बच्चे देखेंगे, जिसको आप लोग साइंस ग्रुप भी बोलते हो। सेकंड की बात करेंगे बेटा, 3 बजे आपकी फिजिक्स की क्लास है, ये 2 घंटे की क्लास है, ये भी एक्स ग्रुप वाले ही बच्चे देखेंगे 2 घंटे के, ठीक है। बीच में रीजनिंग आपकी आधा घंटा, क्योंकि 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं पाएगा, आधा घंटा कोलैप्स रहेगा। बट आपको ये चीज बता दूं, जो बच्चे एक्स वाई दोनों की तैयारी करते हैं वो किसी एक पे फोकस रखना, ठीक है। दोनों की तैयारी एक साथ मत करना। अगर आपका एक्स बहुत ही स्ट्रांग है तो आप वाई की करो और दोनों का फॉर्म भर के एग्जाम दो अच्छे से। अगर आपका वाई स्ट्रांग है तो आप एक्स की तैयारी करो। अगर आप सोचते 60 दिन के अंदर सर हम दोनों की तैयारी एक साथ करेंगे, तो आप गलत फहमी में चलो, ऐसी गलती मत करना। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल दोनों में बहुत हाई कॉम्पिटिशन रहता है। एक्स की बात करेंगे तो क्वेश्चन का लेवल इतना स्ट्रांग होता है कि 25-26 कट ऑफ जा पाते 70 में से, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता, ठीक है। आजकल का जो 25-26 चल रहा है, 29-30 मैक्सिमम ले लीजिए, बहुत ही अच्छे पेपर आते हैं। वाई ग्रुप की बात करेंगे, वहां पे वैकेंसी के हिसाब से जो एप्लीकेंट होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, तो वहां पे कंपटीशन कट ऑफ का बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा ना आप किसी एक को पकड़िए प्रॉपर तरीके से, दूसरे को सिर्फ एज अ मॉक टेस्ट या एज अ रिवीजन, कोई क्वेश्चन सीरीज ऐसा देखिए। ऐसा मत सोचिएगा कि आप पूरा एक्स वाई का सिलेबस ही कंप्लीटली पढ़ोगे और सीखोगे वापस, ऐसी गलती मत करिएगा, ठीक है। देखेंगे 3 बजे से आपका फिजिक्स का टाइमिंग है, 4 बजे से आपका रीजनिंग का टाइमिंग है, ये आपका वाई ग्रुप में आएगा, ठीक है, वाई ग्रुप में आएगा। 5 बजे से आपका इंग्लिश का टाइमिंग रखा गया, जो कि एक्स वाई दोनों में आएगा, ठीक है, एक्स वाई दोनों में आएगा। इसके बाद आपकी 6 बजे से जो क्लास चलेगी वो जीके की चलेगी, पूजा मैम की, ये सिर्फ और सिर्फ वाई में आएगी। इसके बाद 7 बजे मैं वापस मैथ पढ़ाऊंगा। अब आपके मन में आ रहा होगा सर लगातार 2 घंटा क्यों नहीं आप कर लिए, क्यों अलग अलग रखे? देखो लगातार 2 घंटा तो मैथ में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, लगातार 2 घंटा कोई नई चीज सीखना पढ़ना बहुत मुश्किल आता बच्चों को कि कैसे नया चीज सीख पाएंगे 2 घंटे लगातार। तो हमने क्या है 1-1 घंटा रखा, पहली चीज। दूसरी चीज, जब कभी भी 2 घंटे की क्लास होती है तो मैक्सिमम जो क्लासेज है 1 घंटे 30 मिनट पे ही हमारी एंड हो जाती है, यू कह दीजिए कि टॉपिक एंड हो जाता है, फिर हमारा आधा घंटा वेस्ट जाता है। अब सिर्फ 60 दिन है तो 60 दिन में हर एक मिनट हमारे लिए कीमती है, इसलिए मैंने इसको अलग अलग क्लासेज में डिवाइड कर लिया। 1 घंटा इधर लूंगा, 1 घंटा इधर, ठीक है, 2 घंटे आपकी चलेगी अलग अलग टाइमिंग पे। फिर बात आती है 8 बजे से, 8 बजे से जो आपकी होगी वाई ग्रुप की मैथ की क्लास होगी। तो एक्स वाई वाले बच्चे आप सभी लोग देख लीजिए, एक्स वाले बच्चों की जो क्लासेस है वो बेटा 12 बजे आपकी चलेगी, 3 बजे चलेगी आपकी, 5 बजे चलेगी और 7 बजे चलेगी, ठीक है। ये आपकी टाइमिंग है एक्स ग्रुप की, गैप के साथ, ठीक है, गैप के साथ थोड़ा रिलैक्स चाहिए आपको, ताकि जो चीज हम पढ़ा चुके उसको रिवाइज कर पाओ आप लास्ट के 2-10 मिनट जो भी आप टाइम निकालो, और अगली क्लास जो उसका पिछली क्लास रिवाइज कर पाओ या क्वेश्चन लगा पाओ, तब क्लास में एंट्री लो, इसलिए गैप के साथ बनाए।
वाई ग्रुप की बात करेंगे बेटा, आपकी 4 बजे से क्लास स्टार्ट है, 4 बजे है, 5 बजे आपकी, 6 बजे है और फिर 8 बजे आपकी क्लास है। ये क्लासेज एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे चलेंगी बेटा, 499 का हमारा कोर्स है उसी का। ये जो कोर्स है बेटा, इसके अंदर हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाएंगे, बायलिंगुअल पढ़ाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी बच्चे को। जो हमारे पुराने बैचेस के बच्चे, चाहे ब्रह्मोस के हैं, चाहे प्रचंड के हैं, चाहे सौर के हैं, बेटा आप लोग को भी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी ऑन मंडे, फ्रॉम मंडे, सभी सब्जेक्ट की, ठीक है। इंग्लिश के भी सर आपके आ चुके, ज्वाइन हो चुके, आप संडे को देख सकते हो, मतलब आज के दिन आपका मैराथन भी संडे का लगा है, तो आप सभी लोग उसको देख सकते हो प्रॉपर तरीके से, बहुत ही बेहतरीन आपका। वहां पे भी इंग्लिश की भी क्लास स्टार्ट है मंडे से, सभी बैचेज में क्लास स्टार्ट रहेंगी, कहीं से भी कोई कमी नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हो टाइम टेबल, आप सभी लोग नोट कर लीजिए, टाइम टेबल नोट कर लीजिए, बहुत ही प्यारा सा टाइम।